हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट दिस इज अनामिका सिंह कैसे हैं आप सभी सो so, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस सेशन में सो so, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस जैप प्रक्रम वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एन सी आर टी सोल्यूशन जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने आज हम देखेंगे जो हमारे चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं ना उसके हम आंसर्स डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका सेशन आज का होने वाला है पर स्टार्ट करने के पहले हम अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो यदि आप क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक बेटा किसी भी क्लास में है सो मैग्नेट ड्रीम्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है क्योंकि मैग्नेट ड्रीम्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पांच स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं जैसे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड दिल्ली बोर्ड और सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर हम अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जितना आज मैं पढ़ाने वाली हूँ और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ इन सबके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे सर उसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप बेटा ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हो अब आते हैं सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की तरफ कि वे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं सो हमारे एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है जहां पर आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं और वहां पर केजी से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी सो so स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सो एन सॉल्यूशन और पहले तो इससे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू है पहले हम उसे डिस्कस करेंगे फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे सो so, ये रहा पहला क्वेश्चन हमसे हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है सो वृक्क किस तंत्र का भाग है और वो किससे संबंधित है पोषण से श्वसन से उत्सर्जन से या फिर बेटा परिवहन से सो so, ये एमसी क्यू आपके एनसीई टी सोल्यूशन का पहला क्वेश्चन है तो पहले तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चला कि वृक्क को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा सो so, ये होती है हमारी किडनी है ना और ये एक तंत्र का भाग है तंत्र बोले तो ये एक सिस्टम का पार्ट है और वो सिस्टम क्या है भाई किससे रिलेटेड है ये क्या ये पोषण से संबंधित है तो नहीं भाई किडनी का पोषण से क्या ही लेना देना है पोषण की बात करें तो अगर हम मनुष्य में पोषण को लेकर जाएंगे तो हमें पता है कि हम कई सारी चीजें खाते पीते रहते जिनका हमारे शरीर में पाचन होता है और जिसके लिए पूरा पाचन तंत्र होता है जहां पर मुख से पाचन शुरू होकर हमारे एनस गुदा तक शुरू रहता है है ना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है तो भाई इसका तो ये सेक्शन नहीं है तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा फिर मैम श्वसन होगा क्या तो बेटा ध्यान से सुनो नहीं भाई ये ये बिल्कुल नहीं होगा हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उस प्रक्रिया की बात करें तो वो यहाँ पर होती है बल्कि वृक्ष इसका पार्ट नहीं है श्वसन तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम हमारे लंग्स यानी के फेफड़ों को पढ़ते हैं फिर वहां परिवहन होगा क्या तो ना जी ना यानी के फिर बेटा आंसर क्या होगा उत्सर्जन बिल्कुल सही कहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उत्सर्जन क्योंकि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो रिलेटेड है संबंधित है किससे बेटा उत्सर्जन से बिल्कुल सही बोला है अब बात आती है वृक्क यानी कि किडनी की तो ये हमारे शरीर में जो है दो किडनियां पाई जाती हैं और बाई व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है और इस किडनी यानी वृक्क में ही क्या पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे से वृक्काणु पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा ने बोलते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने पादप में ज़ाइलम उत्तरदायी है तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं समय ज़ाइलम उत्तरदायी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ज़ाइलम होता है ना बेटा ये क्या होता है टिश्यू होता है यानी कि ये क्या होता है सो बेटा हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं ऊतक बोलते हैं बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ही ग्रुप ऑफ सेल्स ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का समूह एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है जायलम ऊतक क्योंकि ये पादपों में प्लांट्स में पाया जाता है सो पादप में जायलम उत्तरदायी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जल का वहन करने में भोजन का वहन करने में अमीनो अम्ल का वहन करने में या फिर ऑक्सीजन का वहन करने में तो याद करिए जब मैंने क्लास ली थी सेशन लिया था तो मैंने आपको दो टिश्यू के बारे में बताया था भैया एक तो जाइलम था और दूसरा क्या था फ्लोएम टिश्यू था क्या था फ्लोएम टिश्यू था ये क्या काम करता था तो जाइलम टिश्यू जो है भैया ये जल का वहन करता है जल और खनिज लवण के वहन करने में कौन हेल्पफुल होता है सो वो होते हैं हमारे जाइलम टिश्यू जाइलम उत्तक और वही बात आती है फ्लोएम की तो ये क्या करता है भोज्य पदार्थ या भोजन का क्या करता है परिवहन करता है प्लांट्स के हर एक सेक्शन में हर एक पार्ट में ओके सो प्लांट में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है जल के वहन करने में और केवल बेटा बाकी तो ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे जल ही नहीं बल्कि जल के साथ साथ खनिज खनिज लवण का भी ये क्या करता है वहन करता है किसका बेटा खनिज लवण का जो कि हमें कहा मिलते हैं तो सुनो 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 ये इस वाले सेक्शन में रूट्स वाले सेक्शन में या फिर मैं क्या कह सकती हूँ रूट्स वाले पार्ट में बेटा मिलते हैं कहाँ पर रूट्स वाले सेक्शन में रूट्स वाले पार्ट में मिलते हैं जहां पर क्या होता है ढेर सारा पानी होता है जहां पर क्या होता है सो जहां पर ढेर सारा पानी पाया जाता है क्लियर कोई कंफ्यूजन कोई समस्या ओके okay. तो ये कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ये कहानी मैंने आपको समझा दी है यहीं पर मिनरल्स होते हैं जो ये कहाँ तक पहुंचाए जाते हैं लीप यानी कि पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं और ये जालम एक ही दिशा में चलता है ऊपर की ओर नाउ नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप सभी के सामने स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है भैया पहली बात तो पोषण के भी क्या होते हैं तरीके होते हैं जैसे पोषण स्वपोषी होता है विषमपोषी पोषण होता है हम कौन सा पोषण करते हैं तो वो तो मैं आपको भी बताऊंगी पहले हम इस क्वेश्चन को जानते हैं सो so, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड सीओ तथा जल है क्या क्या लगता है आपको इसके लिए सीओ टू तथा जल एस दोनों जरूरी है या फिर, फिर सनलाइट सूर्य का प्रकाश या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा आप सभी पोषण के लिए ये सारी ही चीजें आवश्यक होती हैं क्यों क्योंकि भैया जो पौधे होते हैं ना बेटा वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्या करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस यानी कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं एक ऐसी क्रिया जो किसकी हेल्प से होती है तो जहां पर आवश्यक होती है बेटा क्या सनलाइट क्या आवश्यक होती है तो जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सनलाइट और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है भैया CO2 चाहिए होती है और पत्तियों में क्या होना चाहिए क्लोरोफिल होना चाहिए और साथ ही साथ इसे क्या चाहिए वाटर यानी कि भैया जल पानी भी चाहिए होता है तभी जाकर यह खाना बना सकेगी और ये प्रक्रिया हो पाएगी सो तो पौधे क्या करते हैं तो कौन सा पोषण स्वपोषी पोषण वो अपने खाना खुद ही बनाते हैं लेकिन किन किन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए उसे क्लोरोपिल चाहिए जो कहाँ मिलेगा पत्ती में मिलेगा और इस क्लोरोपिल को बेटा हम क्या बोलते हैं सही हमारा है, ऑप्शन होगा नाउ नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ओके सो ये रहा भाई पायुर्वेद के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किस में होती है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हम क्या बोलेंगे सूत्रकणिका में लवक में या फिर न्यूक्लियस यानी केंद्रक तो भैया ये अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म होगा ये हिंदी में सूत्र होगा क्या होगा बेटा होगा सूत्र कड़ी या तो ये इस नाम से भी मिल जाता है या तो इस नाम से भी और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा साइटोप्लाज्म हो जाएगा क्लियर और फिर हमारा हरित यानी कि क्या है भैया क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा है ना और क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है ना तो मैं अब एक बात बताती हूँ जो मैंने आपको पाइरोवेट के विखंडन के बारे में बताया था मैंने वहां तीन चीजें आपको पढ़ाई थी है ना हमने वहाँ पर ग्लूकोज के छह कार्बन के अड़ू की बात की थी जो कि कार्बन के जो कि पैरूबेट में जिसका विखंडन हुआ था और ये तीन कार्बन के अड़ू में क्या हुए थे परिवर्तित मैंने आपको बताया था कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे हो ये, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी अब प्रश्न ये उठता है पायरोवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और अगर ऊर्जा देता है तो ये क्या है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली एक क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया होगी यानी ये कौन सा श्वसन होगा भैया सो ये होगा वाय श्वसन बेटा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन इंग्लिश में जैसे हम क्या बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे सो so यस yes, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लिखा होगा ना अगला आते हैं चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए समझ में आ गए पक्का ना अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ये प्रक्रम कहा होता है सो so, एक्चुअली होता यह है कि हम तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे हम लेते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं प्रोटीन हम लेते हैं फैट क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे के सारी चीजें हमारे शरीर में जो पहुंच रही हैं, एक ही जगह पर इनका पाचन हो रहा है क्या नहीं ये हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जहां हमारा फूड अलग अलग हिस्सों में जा रहा है सो so इन्हीं सभी न्यूट्रिय का जो डाइजेशन है वो भी कहाँ होता है अलग अलग सेक्शन में होता है लेकिन आपसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं चल रही है प्रोटीन की बात नहीं कर रहे बल्कि किसकी कर रहे हैं फैट यानी कि वसा की तो सुनो हमारे शरीर में फैट का पाचन कैसे होता है वसा का तो यह प्रक्रम कहां होता है ये बताना है बताना तो सुनो वसा का पाचन आहर नाल यानी कि बेटा जो हमारी एलिमेंट्री के नाल है ना इसके छुद्रांत में होता है जो छोटी आंत का एक हिस्सा भाग है और आमाशे में लाइपेज उन पर क्या करता है क्रिया करता है एक्चुअली में पाचन की अगर बात करेंगे ना मतलब पूरे डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो आहार नाल के छिद्रंत में होता है है ना और आमाशय में लाइपस उन पर लाइपेस उन पर क्रिया करता है और वसा को खंडित कर देता है शुरुआत वसा के पाचन की कहां से होती है भैया तो शुरुआत तो इसकी कहां से होती है आमाशय से होती है स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आमाशय से होती है तो हमने जाना कि वसा का पाचन आह के छुद्रांत में होता है यहां पर इसका पाचन हो जाता है और आमाशय में लाइपस उन पर क्रिया करता है क्योंकि शुरुआत इसकी कहां से हो रही है और ये वसा को खंडित कर देता है और इसके पश्चात शुद्रांत में यकृत द्वारा स्थापित यकृत तो बोले तो बेटा लीवर की बात चल रही है ठीक है यकृत तो बोले तो बेटा किसकी बात चल रही है लीवर की बात चल रही है और ये लीवर से कौन सा जूस निकलता है बाइल जूस निकलता है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा पित्तरस कहते हैं और ये स्टोर कहाँ होता है पित्ताशे में जाकर होता है तो हमसे कह रहे हैं कि इसके पश्चात शुद्धांत में यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस जो है भैया वो वसा का पायसीकरण करता है और अग्नाशय कुछ इस प्रकार से चलने वाली प्रोसेस होती है क्यों क्योंकि वसा का पाचन शुरुआत इसकी शुरुआत हमारे आमाशय में हुई और इसी के साथ जब ये हमारे छोटी में जाएगा तो छोटी में हमारा यकृत डाइजेशन में हेल्प करेगा वसा के पाचन में सहायता करेगा और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है वो भी वसा के पाचन में क्या करेगी सहायता करेगी दैट्स इट आगे बढ़ते हैं अब हम ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है तो भाई बड़ी बहुत बड़ी भूमिका है है ना लार की अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं किसकी बेटा सलाइवा की तो इसका क्या रोल है हमारे डाइजेशन में फूड के डाइजेशन में लार की क्या भूमिका है ये हमसे पूछा जा रहा है तो सुनो भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने उसे गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाए और लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज कहते हैं क्या कहते हैं भैया लार में उपस्थित एंजाइम जिसे क्या कहते हैं कहते हैं ये स्टार्च के जटिल अणुओं को क्या करता है शर्करा में विखंडित कर देता है यानी उसका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे उसे सिंपल शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है सो भोजन में पाचन में भोजन के पाचन में लार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लार संपूर्ण भोजन में फैल उसे चबाने के लिए भैया उसे गीला कर देती है और इसका मार्ग आसान हो जाए ताकि खाना जो है वो आसानी हमारी जो एसोफेगस है उससे होता हुआ आमाशय में चला जाए

होती है ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है तो ध्यान से सुनिएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी हमने जाना स्वपोषी पोषण यानी कैसा पोषण जहां पर पोषण स्वयं के द्वारा हो रहा होगा खुद के द्वारा हो रहा होगा और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएंगे प्लांट्स क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना खुद ही बनाते हैं स्वयं ही बनाते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होगा सनलाइट होगी पानी होगा क्लोरोफिल ये सारी ही चीजें इसमें क्या होंगी शामिल होंगी और इसके बाद हमें क्या मिलेगा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन ये स्वपोषी पोषण के लिए मुख्य उपोत्पाद होते हैं क्लियर ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के लिए मुख्य ओ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं? चलो जानते हैं इसके बारे में सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बेटा स्वपोषी पोषण की बात चल रही है मतलब एक ऐसे पोषण की बात चल रही है जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं वो अपना फूड या खाना जो है खुद ही बनाते हैं तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं है। चलो भैया तो होता यह है बेटा स्वपोषी पोषण के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं सीओ बोलते हैं और क्या क्या आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश जिसे हम क्या बोलते हैं सनलाइट बोलते हैं सूर्य का प्रकाश जो कि क्या होता है भैया सनलाइट होता है इसी के साथ पानी हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा ये क्लोरोफिल को पहले भी बताया है हिंदी में क्या बोलते हैं हम पर्णहरित बोलते हैं ठीक है थीके? तो CO2 भी चाहिए इसी के साथ हमें सनलाइट भी चाहिए इसी के साइड हमें वाटर पानी भी चाहिए क्लोरोफिल पर्णहरित किस में पाया जाता है बेटा लीप पत्ती में पाया जाता है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के मुख्य क्या होते हैं हो, उपोत्पाद होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी मिलता है लेकिन मुख्य उपोत्पाद की बात करेंगे तो वो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे और होंगे और ऑक्सीजन जहां होता क्या है एक्चुअली में प्रोसेस ये होती है कि जब सीओ टू और पानी आपस में ये मिलते हैं लेकिन कैसे मिलते हैं क्योंकि इन्हें क्या मिलती है भैया सनलाइट मिलती है हिंदी में लिख दूं क्योंकि कुछ बच्चे फिर कॉमेंट करते हैं कि मैम आप इंग्लिश में मत लिखा करें तो भैया सुनो तो सूर्य का प्रकाश मिलता है और किसकी उपस्थिति में पर्ण हरित की उपस्थिति में बेटा क्या होता है तो जब एक प्लांट खाना बनाता है सनलाइट भी ले लेता है लीफ में जो होते हैं क्लोरोफिल वो भी उसे चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर से गैस चाहिए होती है जो कि सीओ टो होती है इसी के साथ उसे क्या चाहिए होता है रूट्स से वो क्या ले लेता है पानी जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो फिर प्लांट्स क्या बनाते हैं अपना फूड खाना जिसमें उनको क्या मिलती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी किसके फॉर्म में किसके रूप में मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में सी सिक्स ओ सिक्स क्या होता है ग्लूकोज होता है ये प्लांट्स को क्या मिलेगी ऊर्जा एनर्जी जो प्लांट पूरे आ, हर एक सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा एच टू होगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा तो हमने क्या देखा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और इसी के साथ ऑक्सीजन स्वा पोषण के मुख्य उपोत्पाद होते हैं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलिए तो ये रहा वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से सुनिएगा So, भैया वायवीय तथा तो अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पर बताना है यानी एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन दोनों में कोई ना कोई अंतर तो है

अवायवीय श्वसन बोलते हैं वही अगर बात करें तो अवायवीय श्वसन भी कुछ जीव होते हैं जो करते हैं जानेंगे उनके बारे में भी पर उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोनों में अंतर देखते हैं देखो होता यह है भाई एक साइड मैंने लिखा है बेटा वायवीय श्वसन और दूसरे साइड मैंने लिखा है अवायवीय श्वसन एक साइड हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे साइड क्या होगा बेटा एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होगा दोनों के लिए बेस्ट बेस्ट चीजें जो हो सकती हैं वो वो बताती हूं कभी भी आपको अंतर करना हो सीधे पहला पॉइंट लिख देना क्या लिखोगे भैया ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसे इसे हम या ऑक्सी तरफ तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि एबसेंस में होता है क्या बोला जा रहा है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है हम नहीं करते आप ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं सकते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ठीक है अब पूरी तरह से ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है लेकिन वहीं अगर हम एन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है पार्शली या मैं ऐसा कह सकती हूँ आंशिक रूप में होता है डन तो दो कहानी हमने जान ली है पहला हमने जान लिया कि भैया ऑक्सीजन के प्रेजेंस मेंिएूकोज में, में का, का आंशिक रूप से यह पूरी तरह से विखंडन नहीं होता है दो पॉइंट यहाँ पर डन थर्ड की तरफ आते हैं यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य कोशिका का द्रव्य बोले तो बेटा साइटोप्लाज्म एक्चुअली में कहा किस लोकेशन में यह चीज होती है तो साइटोप्लाज्म में होती है और इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कड़िका में होता है ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं कि भैया अवायवी श्वसन में ये कहां पर होता है सो ये केवल बेटा कोशिका द्रव्य में होता है कहां पर सो ये केवल कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है नेक्स्ट आते हैं अब हम लास्ट है इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सो so, यहाँ पर एनर्जी कैसी बनती है ज्यादा मात्रा में बनती है वहीं एन एरोबिक में इसमें भी ऊर्जा बनती है लेकिन कैसी बनती है कम ऊर्जा बनती है इसकी तुलना में तो कम ही बनती है हम क्या करते हैं हमारे द्वारा एक बार रेस्पिरेशन करने में हमारे बॉडी में एनर्जी पहुंचती है ये जो एनर्जी पहुंचती है इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार सांस लेंगे बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी नहीं ये नेचुरली होने वाली प्रोसेस होती है क्यों क्योंकि हम एयर से सारी गैसेस जो है वो लेते हैं हमारे ईयर में बहुत सारी हमने ये पहले भी जाना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीपल गैसेस होती हैं जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन होती है ठीक है सो एनारोबिक एंड नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरह बट एक और कहानी है इसमें कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवैवी श्वसन होता है चलो मैं आपकी थोड़ी सी सहायता करती हूँ मैं कुछ के नाम लिख रही हूँ जैसे यीस्ट हो जाएगा जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो जाएंगे बाकी अब आपका होमवर्क है आप मुझे बताओ क्या लगता है और कौन कौन से जीव इसमें आ सकते हैं डन स्क्रीन शॉट ले लिया आप सभी ने नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है तो ये हमसे ये कह रहा है

ठीक है, है है, जान लेते हैं, ना? तो देखो होता है है। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी एक संरचना एक स्ट्रक्चर होता है इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? कूपिका कहते हैं पहली बात तो ये यह। यही हमारी क्या कहलाती है एल्विओलिक कूपिका कहलाती है नेक्स्ट इसका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं से में विभाजित हो जाता है और ये नलिकाएं एक विस्तृत सतह का निर्माण करती हैं जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके यानी ज्यादा मात्रा में जो गैसें से वो एक्सचेंज हो सके कूपिकाओ की बिती यानी बेटा उनकी जो वॉल है है ना उनकी जो वॉल है उसमें रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका विस्तृत यानी फैला हुआ काफी बड़ा जाल होता है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो वक्ष गुहिका होती है ना भैया वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है क्योंकि ये नेचुरल होने वाली प्रोसेस है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है क्यों क्योंकि हमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा जैसे अब मैं सांस लूंगी मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि वक्ष गुहिका बड़ी करनी है वो नेचुरली होगी बेटा ठीक है तो हमने क्या देखा जब हम श्वास लेते हैं यानी सांस लेते हैं तो हमारी है, बड़ी हो जाती है और वायु विस्तृत कूपिकाओं में जाकर यहाँ पे भर जाती है और फिर ये कूपिकाएं फेफड़ों में बहुत कम जगह में स्थित होती है लेकिन जब इनमें हवा भर जाती है तो ये फूल बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती हैं और गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करती हैं जिसके माध्यम से CO2 O2 आपस में क्या हो जाते हैं एक्सचेंज यानी O2 हमें चाहिए और CO2 नहीं चाहिए सो गैसों का आदान-प्रदान यहाँ पर आसानी से इजीली बेटा हो जाता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढूं अब मैं पक्का यहां तक सब समझ में आ गया सो क्वेश्चन नंबर 9 बी यहां पर होता है डन यहां पर फिनिश अब लग अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन ओके सो हमारा एनसीआर सॉल्यूशन चल रहा है और हम टेंथ नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच जो हमसे क्या कह रहे हैं तो सुनो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकता है तो हीमोग्लोबिन की यहाँ पर बात चल रही है है ना तो आपने देखा होगा कि जो ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो किस में देखा जाता है आर में है ना जहाँ पर आयरन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि अगर हमारे शरीर में किसकी कमी होती है भैया अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है या फिर किसकी कमी होती है आर की कमी होती है या फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ कि अगर बात आती है किसकी आरबीसी हो गया आयरन की कमी से है ना तो सुनो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की गम, कमी के कारण एक्चुअली में क्या होता है देखो मेनली जो एनीमिया होता है ना वो आयरन या फिर आरबीसी की कमी से होता है लेकिन हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है हमारे आरबीसी में ही हम क्या देखते हैं ब्लड का कलर कौन दे रहा होता है तो वो हमारा हीमोग्लोबिन जैसे मैं आपको पूरा सीक्वेंस एक्सप्लेन करती हूँ हीमोग्लोबिन ही बेटा क्या कर रहा होता है हमारे ब्लड को भैया ये रेड कलर देने का काम करता है क्लियर हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है और ये रेड कलर बेटा किस में देखा जाता है सो भैया ये आरबीसीस में देखा जाता है किस में देखा जाता है सो ये आरबीसीस यानी रेड ब्लड सेल्स पे देखा जाता है तो अब होता यह है कि भाई देखो अगर हमारे शरीर में आर की कमी होगी तो एनीमिया होगा है ना और अगर हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहे की कमी होगी तो भी एनीमिया होता है है ना तो ये चीजें होती हैं अब आते हैं सीधे हीमोग्लोबिन वाले सेक्शन के तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं तो हीमोग्लोबिन का बेटा मेन काम होता है हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना होता है क्या बोल रहे हैं हिमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है यानी बेटा इसका जो मेन काम है ना वो हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में समस्त भागों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाया जा सकता है जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी भाई ऑब्वियसली अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमारे शरीर के हर एक सेक्शन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है तो आर क्या करता है ऑक्सीजन को पूरे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में उसका संभा करता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की ही कमी होगी तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में नहीं पहुंच पाएगी सो जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने के लिए आवश्यक एनर्जी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हमें कमजोर थकान का अनुभव होने लगेगा हमारे शरीर में वीकनेस आ जाएगी कमजोरी हो जाएगी ये सारी स्थिति आ जाएगी ओके और एनीमिया किसकी कमी से होता है ध्यान रखना आरबीसी की कमी से या आयरन की कमी से क्या होता है बेटा एनीमिया होता है इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना दूसरी चीज कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल है तो इसकी कमी के कारण हमने कहानी जान ली तीसरी चीज कि हीमोग्लोबिन है क्या सो बेटा ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है यानी कि ये क्या होता है बेटा श्वसन वर्णक होता है क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि बेटा श्वसन वर्णक होता है That's it. Now, move करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन भैया मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और ये क्यों आवश्यक है ये भी हमें बताना है सो so, दोहरा परिसंचरण यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसे हम डबल सर्कुलेशन एक्चुअली में कहेंगे सो so, हमारे में क्या होता है डबल सर्कुलेशन होता है है ना सो so, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करनी है और ये क्यों आवश्यक है ये भी हमें बताना है तो चलो भाई समझते हैं इसको ठीक है नाउ तो होता यह है कि मानव प्राणियों में रुधिर की अगर हम बात करते हैं सो so परिसंचरण तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र दोहरे परिसंचरण का एक उदाहरण है क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का जो परिसंचरण होता है यानी कि बेटा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो दोहरा यानी कि डबल होता है इसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है जैसे परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर यानी कि रक्त शरीर के पूर्ण चक्र में हृदय से दो बार प्रवाहित तो होता है बिल्कुल सही कहा है वही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है एक्चुअली मैं आपने देखा होगा जब मैंने आपको हार्ट वाली पूरी कहानी बताई थी है ना मैंने आपको रक्त का परिसंचरण सर्कुलेशन बताया था कैसे बताया था कि भैया पहली बात तो हमारे शरीर से वो जो रक्त था है ना co2 वाला वो किस में गया था बेटा हमारे हृदय हमारे हार्ट में हमने पूरा सर्कुलेशन पढ़ा था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर तो हार्ट वार्ट प्रॉपर तरीके से पूरा बनाकर पढ़ाया था अब हृदय से वो रक्त कहाँ जाता है बेटा सो हृदय से वो जाता था हमारे लंग्स में यानी कि किस में बेटा फेफड़ों में ठीक है वेरी गुड और फेफड़ों से में वो कहाँ पर गया तो वापस से वो हमारे हृदय में आया और हमारे हृदय से कहाँ पर गया शरीर में हाँ और समझो इसे तो और हमने क्या देखा था भैया हमारे बॉडी से सीओ टू यानी कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी कि बी ऑक्सीकृत ब्लड था वो कहाँ गया था हार्ट में गया था हार्ट से हमने क्या देखा था हमारा CO2 टू वाला ब्लड कहाँ चला गया था फेफड़ों में हमारे लंग्स में फिर इसने क्या किया था सी ओ टू से O2 में कन्वर्जन किया था कन्वर्ट किया था उसको और फिर यहाँ से ओ टू वाला ब्लड हार्ट में गया और हार्ट से हमारे बॉडी में भी O2 वाला ब्लड सर्कुलेट हुआ कुछ इस प्रकार से चक्र चला तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में दो बार हुआ तो हमसे क्या बोल रहे हैं परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर शरीर के पूर्ण चक्र में हृदय से दो बार प्रवाहित होता है उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं पॉइंट क्लियर ओके मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय से फुफ्फुसों यानी फेफड़ों को और वापस हृदय को रुधिर का मार्ग जो होता है भैया वो फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है और वही अगर बात आती है हृदय से शेष शरीर को तथा वापस हृदय को रुधिर का मार्ग देहिक संचरण कहलाता है तो ये दो प्रकार के संच दो प्रकार के संचरण एक साथ दौरा परिसंचरण बनाने का काम करते हैं ठीक है तो ये थी कहानी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारा शरीर है ही दोहरे परिसंचरण तंत्र के लिए अगर हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होगा तो भैया ये हमारा शरीर इस प्रकार से काम कर ही नहीं पाएगा जैसे हमसे बोल रहे हैं ना पहले तो हमसे क्या बोला था कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और ये क्यों आवश्यक है क्योंकि अगर डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो हमारा शरीर जो इस तरह से काम कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा हमारे बॉडी में ये जो सारी एक्टिविटीज हो पा रही है नहीं हो पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर CO2 टू ओ टू आप देख पा रहे हैं पूरी लगातार होने वाली ये प्रोसेस है तो हमने क्या देखा शरीर हमसे हमारा CO2 हार्ट में जा रहा था ठीक है फिर वो लंग्स के पास गया कि लंग्स भैया हमारी हेल्प करो फिर लंग्स ने हेल्प करी वापस हमारे हार्ट को दिया ऑटो वाला ब्लड अब सोचो अगर ये डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा डबल सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो क्या ये पूरी चीज़ें सही रहेंगी फिर तो या तो ऑटो की कहानी रहेगी या तो सी की रहेगी भैया हम सी वाले ब्लड के साथ पूरे टाइम नहीं रह सकते हैं उसका ऑटो में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हमारे पूरे ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन का संवहन होता है ठीक है इसीलिए यह आवश्यक है तो एक छोटो सा होमवर्क आप सभी के लिए आप मुझे प्रॉपर तरीके से लिख के बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है हालांकि पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है नाउ अगले क्वेश्चन की वहन में क्या अंतर है देखो भाई बहुत ज्यादा अंतर है क्या डिफरेंस है बिल्कुल तो, है जाइलम क्या काम करता है तो ये केवल जल और खनिज लवण का परिवहन करता है वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो ये किसका परिवहन करता है सो ये भोज्य पदार्थों का यानी कि जो प्लांट्स फूड बना लेते हैं लीफ वाले सेक्शन में तो वो जो खाना बन जाता है उसे हर एक हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है फ्लोएम करता है तो हमने क्या देखा जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है तो एक साइड है जाइलम और एक साइड क्या है भैया फ्लोएम है दोनों में हम अंदर समझते हैं ज़ाइलम मृदा से प्राप्त मिट्टी से मृदा बोले तो मिट्टी से यानी सोइल से प्राप्त जल और खनिज लबड़ों को वहन करता है एस यूज़ुअल जैसा कि हम जानते हैं और फ्लोएम की बात आती है तो फ्लोएम उतक भोजन के परिवहन में क्या करते हैं भैया मदद करते हैं किसके परिवहन में सो जो फ्लोएम होते हैं वो भोजन के परिवहन में हेल्प करती हैं इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं जल का वाहन जो होता है वो जड़ से ऊपर की ओर होता है बिल्कुल देखो भैया बात कुछ ऐसी है जाइलम टिश्यू बेसिकली काम ये करते हैं कि केवल एक ही डायरेक्शन में जैसे रूट्स वाले सेक्शन में नीचे के साइड क्या होता है पानी होता है वहीं पर खनिज लवण होते हैं तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन में ऊपर के साइड केवल लीप वाले सेक्शन को वाटर प्रोवाइड करने का काम करते हैं और जो खनिज लवण है वो प्रदान कराते हैं तो जल का वहन जड़ से ऊपर की ओर होता है और वहीं अगर बात आती है किसकी पत्तियों में तैयार भोजन का भोजन की तो इसका वहन ऊपर नीचे यानी ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों ही दिशा में होता है सभी दिशाओं में ये होता है ठीक है तभी तो जो खाना बनेगा भाई प्लांट के हर एक सेक्शन में जाएगा पानी केवल ऊपर की के दिशा में जाएगा लेकिन जो खाना बनेगा फूड बनेगा जो एनर्जी मिलेगी वो प्लांट क्या करेगा

वृक्क में वृक्काणु यानी कि जो नेफ्रॉन्स है इनकी रचना और इनकी क्रियाविधि की तुलना कीजिए ठीक है भाई कर लेंगे पहली बात तो देखने में भी इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके शरीर के अंग भी अलग अलग हैं, है ना जैसे कूपिकाएं हमें कहाँ मिलेंगे फेफड़ों में वही बात करेंगे वृक्काणु यानी नेफ्रॉन हमें कहाँ पर मिलेंगे वृक्क में वृक्क बोले तो बेटा हमारी किडनी में कहा पर हमारी किडनी में समझ पा रहे हो कि नहीं सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर करते चलना ठीक है तो हमने क्या देखा फुफ्फूस में कुपिकाओं की तथा हमारे वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन जो हमारे वृक्क की कार्यात्मक या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वहां पर वो होते हैं हमारे नेफ्रॉन इसकी रचना और हमें इसकी क्रियाविधि की क्या करनी है तुलना करनी है तो सुनो होता यह है पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बट एक्चुअली में आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था याद करिए जहां मैंने बताया था कि चीजें अगर हम बनाना चाहें चाहे वो हमारा ट्रैकिया वाला सेक्शन हो हमारा नासा सब मैंने आपको बनाना सिखाया है, बल्कि मैंने आपको कूपिका वाला ये गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है ओके तो होता यह है फुफुस में कुपिकाओं की तथा ब्रिक में वृक्षाणु यानी की रचना और इसकी क्रिया विधि की हमें क्या करनी है तुलना करने को कह रहे हैं तो सबसे पहले हम कूपिका को लेते हैं फुफ्फूस में कूपिकाएं छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं है होती हैं जी हाँ बिल्कुल सही बोला है कि ये जो कूपिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती है और गुब्बारे जैसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है फिर क्या बोल रहे हैं कूपिकाओं की दीवारें कोशिका जितनी ही मोटी होती हैं और इसमें रक्त कोशिकाओं का एक क्या होता है गुच्छा होता है बेटा ध्यान से सुनेंगे कि किाओ की दीवारें एक कोशिका जितनी ही मोटी होती हैं जिसमें रक्त कोशिकाओं का क्या होता है तो रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स का एक एक गुच्छा होता है सतह उपलब्ध कराती है जिसमें का होता है CO2 O2 का क्या होता है एक्सचेंज होता है तो वो बेसिकली देखा जाए कहाँ होता है एलबीओली वाले सेक्शन में इस वाले पार्ट में यहाँ पर ये पाई जाती हैं गुच्छा जैसा इसका क्या होता है बेटा स्ट्रक्चर होता है ठीक है कोई कंफ्यूजन कोई समस्या सो so, हमारी एक कहानी डन हो चुकी है बनाना कैसे है तो वो हम सीख चुके हैं अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर के लिए इसे यूज किया है ठीक है

के पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल आदि को छानकर क्या कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है बाकी अब एक्चुअल में हम पूरी इसके प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इसमें पुनः शोषण का भी काम होता है क्योंकि एक बार फिल्ट्रेशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है जहां पर कुछ काम की चीजें भी होती हैं जो हमारे बोमेस कैप्सूल बोमेसमपुट में चली जाती है क्लियर अब आपको इसके साथ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है तो अगेन मैं ऑलरेडी ये बनाना सिखा चुकी हूं केवल मुझे इसकी लोकेशन यहां बतानी थी डेट्स वाई मैंने इसकी इमेज यहाँ पे यूज है ओके okay, सो so, आज के लिए इतना ही उम्मीद करती हूं कि आपको पूरा सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूं कि पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कैसा लगा है आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसे लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करना है इसी के साथ ये है हमारे मैगने के कुछ अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे आप हमारे फेसबुक कह रहे यूट्यूब पे आप हमारे सेशन ले सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते, और के जुड़ कर भी आप कर सकते हैं e और वेबसाइट e ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के बेटा टॉप कोर्सेज जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई uh, बोर्ड दिल्ली बोर्ड और हमारे यहाँ बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश को स्पोकन इंग्लिश ये सारी ही चीजें कवर कराई जाती हैं सो so, कैसा लगा है सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में बाकी आगे की कहानी को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे करेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू क्लास